Hello students, I'm Amta, welcoming you all to the BBVN online classes. So, from today onwards, we are going to start a new unit's chapter, that is the sound of music. It has two parts actually. The first focuses on Evelyn Glennie and the second one focuses on and tell us about Bismillah Khan. So, the first part of Evelyn Glennie listened to sound without hearing it. Evelyn Glennie ऐसी है जो कि क्या करती हैं साउंड सुनती हैं विदाउट हियरिंग इट, वो भी अपने कानों से प्रॉपर साउंड सुने हुए. इज इट पॉसिबल टू हियर म्यूजिक विदाउट लिसनिंग द म्यूजिक? यस इट इज. एवलिन ग्लैनी जो हैं वो हमें ये चीज़ क्लियर करती हैं कि किस तरीके से ये चीज़ पॉसिबल है. दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स द जर्नी ऑफ अ यंग गर्ल कॉल्ड एवलिन ग्लैनी who despite being absolutely deaf, it means usko bilkul bhi sunai nahi deta hai, went on to become one of the best music performers in the world. Deaf hote hue bhi duniya mein best music performer jo hain wo banti hain. Evelyn who gradually lost her ability to listen, aisa nahi hai ki by birth hi wo deaf thi, but gradually because of some reason unki jo ability thi sunne ki wo chali gayi thi. Did not lose heart and on the basis of a strong determination and hard work could do the impossible. But ye baat jab unko pata chali that she is deaf, absolutely deaf now, to unhone apna dil nahi hara, himmat nahi hari aur jo hai अपनी डिटर्मिनेशन के थ्रू, जो कि एक म्यूजिशियन बनने के थे, हार्डवर्क के थ्रू उन्होंने क्या गेन किया, एक इम्पॉसिबल थिंग को भी पॉसिबल करके दिखाया. शी डिड नॉट फ्रेट और फ्यूम एट हर लॉस, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई कि उनके पास में क्या चीज़ है और क्या नहीं है. शी रादर एक्सप्लोर्ड एंड डेवलप्ड एन इनबोर्न टैलेंट एंड बिकेम द मोस्ट सेंसेशनल और सोलो परक्यूशनलिस्ट इन द वर्ल्ड. एक ऐसे इंसान बनी जो कि मेनली म्यूज़िक के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको ना सिर्फ प्ले कर सकती हैं बट एक सोलो परफॉर्मेंट के तौर पर उनके आज जो कॉन्सर्ट हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट. एक्चुअली बिफोर यू रीड में कुछ चीज़ें दी गई हैं. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. हालांकि God ने उसकी hearing की जो ability थी वो शायद उससे ले ली थी, लेकिन कुछ extraordinary जो था वो उसे दिया था जो शायद किसी के पास नहीं था. What we hear, she feels, जो हम सुनते हैं वो महसूस करती हैं. For more deeply than any of us, और जो वो महसूस करती हैं वो शायद उतना deep से हम चीज़ों को सुनते भी नहीं हैं. That is why she expresses music so beautifully. और इसी feeling की वजह से वो इतना अच्छे तरीके से music को क्या करती है, हमारे सामने express करती हैं. Rush our crowds, jostle for position on the underground train platform. एक ट्रेन प्लेटफॉर्म जो है वहाँ के सीन से हमारा जो चैप्टर है वो शुरू होता है. रश आर क्राउड्स, यानी कि ये टाइम है रश आर्स का. रश आर्स कब होते हैं? जब हर कोई इंसान जो है वो अपनी जॉब पे जाने के लिए टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो मॉर्निंग का वक्त होता है उन्हें रश आर्स कहा जाता है, क्योंकि हर कोई अपनी जॉब पर भाग रहा होता है. तो क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. जॉस्टल का मतलब होता है पुश रफली या फिर बहुत जगह पाने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए जो क्राउड है वो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर अपनी पोजीशन को खोज रहा है. अ स्लाइट गर्ल, एक छोटी सी थिन सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, 17 ईयर्स की हो चुकी है लेकिन एज से वो लगती नहीं है, वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी लेकिन उत्साहित भी अंदर से बहुत ज़्यादा थी. एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्यों? क्योंकि उसको बॉडी में जो जब भी ट्रेन आती है तो क्या होता है, एक तरीके की वाइब्रेशंस हमें फील होती हैं और इस बच्ची को भी जो ट्रेन आ रही होती है उसके वाइब्रेशन जो हैं वो बॉडी में फील होने लगते हैं. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन. ये उसका पहला दिन था. कहाँ पर पहला दिन था? बहुत ही प्रेस्टिजियस, एक सम्मानित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन, जिस जो संस्था का नाम है, इंस्टीट्यूशन का नाम है, उसमें उसका पहला दिन था. एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी ट्रेन फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, और
थोड़ा सा फ्राइटनिंग है, डरा देने वाला एक्सपीरियंस है किसके लिए, फॉर एनी टीनेजर, एक ऐसे टीनेजर बच्चे के लिए जो कि कहाँ से हो, फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, यानी कि स्कॉटलैंड के एक फील्ड वाले एरिया में रहने वाली लड़की के लिए ये जो पूरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ही फ्राइटनिंग था, और वो भी उसके लिए ऑब्वियसली इसीलिए वो क्या थी, थोड़ा नर्वस भी थी. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन जितने भी म्यूजिशियन उस रॉयल अकेडमी में उस टाइम पर थे उससे सबसे ज़्यादा जो है bigger challenge जो है वो ये लड़की फेस कर रही थी. कारण क्या था? She was profoundly deaf. क्योंकि वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्या थी, सुन नहीं सकती थी, deaf थी. एवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. ऐसा नहीं था कि एवलिन ग्लैनी जो है वो एक ही दिन में क्या हो गई थी, डीफ हो गई थी. ग्रेजुअल था, धीरे धीरे ऐसा हुआ था. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग. उसकी माँ याद करते हुए कहती है कि मुझे लगा कि कुछ ज़रूर गलत है. When the 8 year old Evelyn was waiting to play the piano, जब Evelyn 8 साल की थी और बाकी बच्चों की तरह वो वेट कर रही थी कि कब उसका नंबर आएगा और कब वो पियानो प्ले करेगी. They called her name and she did not move. उन लोगों ने, किन लोगों ने, शायद उसके टीचर्स ने जो उसको पियानो सिखा रहे थे, उन लोगों ने उसका नाम पुकारा. But she didn't move, लेकिन वो अपनी जगह से हिली नहीं. I suddenly realized she had not heard. अचानक से उसकी मदर कहती है कि मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि शायद एवलिन ने सुना ही नहीं या फिर उसको सुनाई ही नहीं दिया. Says Isabel Glennie. Isabel Glennie जो है उनकी मदर का नाम है. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. Conceal मतलब छुपा पाना, हाइड करना. कुछ दिनों तक Evelyn ने थोड़े वक्त के लिए अपनी जो deafness थी वो अपने friends से और अपने teachers से छुपा पाने में वो successful रही. कैसे तैसे उसने manage किया. But by the time she was 11, लेकिन जब वो 11 साल की हुई, her marks had deteriorated. उसके जो deafness के marks थे वो बहुत clear थे. And her headmistress urged her parents to take to a स्पेशलिस्ट. और उसकी जो क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल थी, हेडमिस्ट्रेस थी उसके स्कूल की, उसने उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ इसे एक स्पेशलिस्ट के पास में लेकर जाइए. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवरली इम्पेयर्ड. और तब जो है वो ये चीज़ पता चली कि उसकी जो क्या थी, सुनने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे इम्पेयर्ड हो चुकी थी, यानी वीक होती जा रही थी एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. क्योंकि सुनने की जो नर्व के पास में एक जो नर्व थी वो डैमेज होती जा रही थी, जिसकी वजह से उसकी डीफनेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी. देवर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर डीफ. और जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा कि इसे जो है हमें हियरिंग एड्स, जो सुनने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, उसकी सहायता लेनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए उससे, और उसे एक डीफ के स्कूल में भर्ती करा देना चाहिए, एडमिशन करा देना चाहिए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक स्लैज एवलिन. एवलिन कहती है अचानक से मेरे लिए सब कुछ ब्लैक हो चुका था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन एवलिन ने ये डिसाइड किया था कि वो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारेगी. She was determined to lead a normal life. उसने ये निश्चित कर लिया था कि जैसे हर एक इंसान जीता है वो भी एक नॉर्मल लाइफ ही जिएंगी. And pursue her interest in music. और उसका जो इंटरेस्ट है म्यूजिक में वो उसे ही आगे कैरी फॉरवर्ड करेगी. One day she noticed a girl playing a xylophone. एक दिन उसने देखा एक लड़की को xylophone बजाते हुए. यहाँ पर xylophone क्या है? A musical instrument with row of wooden bars of different lengths. एक जो wooden का बनाया हुआ bars रहता है जो कि different length का रहता है, कहीं पर छोटा कहीं पर बड़ा. तो एक दिन उसने उस xylophone को एक लड़की को बजाते हुए देखा. Then decided that she want to play it too. और उसी टाइम पर उसने डिसाइड किया कि मुझे भी xylophone बजाना है. Most of the teacher discouraged her, but percussionist Ron Frops spotted her potential.
बहुत सारे टीचर्स जो म्यूज़िक सिखाते थे उन सब ने किसी ना किसी तरीके से डिसअपॉइंट किया था एवलिन को, क्योंकि उन सबको ये समझ में आया कि एक डीफ लड़की को हम कैसे म्यूज़िक बजाना सिखाएंगे। लेकिन एक पर्क्यूशनलिस्ट थे जो कि क्या थे, अ पर्सन हु प्लेज ड्रम बजाते थे और तबला बजाते थे, उन्होंने ये पोटेंशियल देखा एवलिन में कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकती है म्यूज़िक के फील्ड में। ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने बिगिन कहाँ से किया, दो बड़े लार्ज ड्रम लिए और फिर अलग अलग नोट पर उसको प्ले करने लगे, बजाने लगे। डोंट लिसन टू योर ईयर्स ही वुड से, वो कहते थे अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलिन। एवलिन उनको याद करते हुए कहती है कि वो कहते थे कि अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, किसी और तरीके से इन सारी चीज़ों को सुनो कि कहाँ से म्यूज़िक जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the west up and the lower one from the west down. अचानक से मुझे ये चीज़ realize हुई कि जो higher notes हैं वो मुझे अपनी west के नीचे से सुनाई दे रहे हैं, यानी कमर के नीचे से मुझे उनकी vibration सुनाई देती है, और जो low notes हैं जो धीरे बजाए जाते हैं वो मुझे कहाँ से सुनाई देते हैं, अपनी कमर के ऊपर वाले हिस्से से। तो ये चीज़ उसको जो है रियलाइज़ हुई। फॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉप्स जो है ये एक्सरसाइज उसके साथ में कई बार रिपीट करते थे। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और जल्दी ही एवलिन जो है उसने ये रियलाइज़ कर लिया था कि वो कुछ नोट जो हैं वो अपनी बॉडी की अलग अलग जगहों पर क्या करती है, सेंस करती है, उसे फील होता है म्यूज़िक। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। एवलिन कहती है कि मैंने सीखा कि किस तरीके से मुझे अपनी बॉडी को ओपन करना है, अपने माइंड को ओपन करना है, कि जो साउंड है वो मुझे किस तरीके से फील होते हैं और मेरी बॉडी के अलग अलग पार्ट में मैंने उन वाइब्रेशन को फील किया। The rest was sheer determination and hard work. और आगे का जो किस्सा है वो उनकी डिटर्मिनेशन थी म्यूज़िक सीखने की और उनका जो हार्डवर्क था उसकी वजह से है। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उन्होंने इसके बाद में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। उसने एक पॉइंट ऑफ टाइम जब वो रॉयल अकेडमी में पढ़ रही थी, उसे मौका मिला कि यूनाइटेड किंगडम का टूर किया उसने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ में। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, जहाँ पर हर एक इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए अलग अलग इंसान होता है। तो उसने परफॉर्म किया यूनाइटेड स्टेट्स में, और जब वो 16 साल की हुई तो उन्होंने ये चीज़ पक्का डिसाइड कर ली कि वो म्यूज़िक को ही अपना लाइफ बनाने वाली हैं, यानी कि आगे अगर वो कोई काम करेंगी तो वो म्यूज़िक के फील्ड में ही होगा। She auditions for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the Academy. Royal Academy of Music में ना सिर्फ उन्होंने एडमिशन लिया बल्कि उनके रिकॉर्ड हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स आने का जो रिकॉर्ड है वो भी एवलिन के नाम पर है। She gradually moved from orchestral work to solo performance. धीरे धीरे जब वो ऑर्केस्ट्रा में काम करना शुरू किया, फिर उन्होंने ऑर्केस्ट्रा छोड़कर सोलो परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर दिया। At the end of 3-year course, she had captured most of the top awards. अपने 3 साल के रॉयल अकेडमी के जो म्यूज़िक एजुकेशन वाला कोर्स था उससे पहले ही उन्होंने जितने भी म्यूज़िक में टॉप अवार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे अपने नाम कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और जब आप उनसे पूछते हैं कि आपने इतना कुछ अचीव किया है तो इसमें एवलिन कहती हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हीरोइज्म नहीं है इसमें, जैसे लोग करते हैं वैसे ही ये काम मैंने भी किया है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेर यू आर गोइंग, एवलिन कहती है कि अगर आप जो है मेहनत करते हैं और अगर आप ये जानते हैं कि आप लाइफ में कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पर निश्चित तौर पर पहुँच जाएंगे। इट मीन्स अगर आप गोल डिसाइड करके कोई काम करते हैं तो एब्सोल्युटली आप अपने गोल को हासिल कर लेते हैं। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो जो है वो बिल्कुल उसी जगह पर थी जहाँ पर वो जाना चाहती थी।
The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. आज की डेट में 1,000 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो बजा लेती थी, सोलो परफॉर्मेंसेस देती थी और उनके जितने भी डेट्स थी यानी कि टाइम जो था स्केड्यूल जो था उसमें ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस जो हैं वो भी उनकी शामिल थी. इट मीन्स ही वो सो वेरी मच बिजी. सो दिस इज इट फॉर टुडे. द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन अवर नेक्स्ट वीडियो सेशन. थैंक यू सो मच एवरीवन.